सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी और आईटीबीपी तो सुना था, अब ये डीआरजी क्या है जिसके जवानों को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मारा। छत्तीसगढ़ से पहले बिहार में हुई थी ऐसी घटना, तब बाल बाल बचे थे एसपी, क्या आईडी को ट्रैक करना है मुश्किल। लोकल पुलिस का सपोर्ट, केंद्र का सीधा आदेश और ऑपरेशन चलाने की छूट के बाद भी क्यों नहीं खत्म होते नक्सली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 26 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईडी को ट्रैक करना इतना मुश्किल है। हम इस सवाल पर आए उससे पहले बताते हैं कि डीआरजी क्या है, जिससे नक्सली सबसे ज्यादा नाराज हैं। कहा जाता है कि एक बार को नक्सली कमांडर सर्च ऑपरेशन चलाने वाले जवानों को छोड़ दे, लेकिन डीआरजी वालों से इनकी खुन्नस पुरानी है, क्योंकि सालों पहले जो लोग नक्सली थे उन्हें सरेंडर करवाकर मुख्य धारा में लाने का काम पुलिस अधिकारी करते हैं। इनमें से कुछ तेज सरार लोगों को डीआरजी में शामिल किया जाता है। 2 साल तक कड़ी निगरानी रखी जाती है। डीआरजी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसमें स्थानीय लड़के और पूर्व नक्सलियों को शामिल किया जाता है। लोकल भाषा और नक्सलियों का अड्डा उन्हें पता होता है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब दूसरे नजरिए से अगर देखें तो ये नक्सलियों के खिलाफ ही लड़ाई है, क्योंकि नक्सलियों में एक रूल काफी कॉमन है, जो उनका ग्रुप छोड़कर भागता है उसके पीछे वो पड़ जाते हैं। ऐसा आपने कई फिल्मों में देखा होगा। आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ वही कहानी कुछ साल पहले बिहार के औरंगाबाद जिले में हुई थी, जब सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। कहा जाता है उस ऑपरेशन को तब एसपी लीड कर रहे थे और उन्होंने जंगल में एंट्री से पहले जवानों को 2 ग्रुप में बांट दिया था। पहले उन्होंने जिस ग्रुप के साथ जाने का मन बनाया उसी रास्ते पर नक्सलियों ने आईडी लगा रखा था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने फैसला बदला और जैसे ही जवान उस रास्ते पर गए नक्सलियों ने अपने मंसूबे को अंजाम दे दिया। तब 10 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नक्सलियों के मंसूबे को तोड़ने में दिक्कत कहां रही है। LVW यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जिले के लिए 5 विशेष रणनीति चलाई जा रही हैं, जिसमें विशेष केंद्रीय सहायता, सड़क संपर्क परियोजना, कौशल विकास परियोजना, शिक्षा संबंधी पहल और वित्तीय समावेशन यानी लोकल लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना पर काम चल रहा है। इन क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जा रही हैं ताकि इन पर लगाम लग सके। यही वजह है कि आमने सामने की लड़ाई की बजाय नक्सली छिपकर वार करने की रणनीति बना रहे हैं और इसमें आईडी लगाकर वो साजिश रचते हैं, जिससे ट्रैक करना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि जवान खुफिया इन्फॉर्मेशन के आधार पर ऑपरेशन चलाते हैं। वहां जाते ही सतर्क हो जाते हैं, पर जब तक कुछ सुराग नहीं मिलता कोई स्पेशल चेकिंग नहीं करते हैं। ऐसे में किसी ऐसी तकनीक की जरूरत है जो जवानों को अलर्ट कर सके। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले कहा था, अब नक्सलियों का दायरा काफी सिमट रहा है, हमारे जवान उन पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। सर्च ऑपरेशन से लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत कर नक्सलवाद को खत्म करने पर काम किया जा रहा है और इसका असर भी अब दिख रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में नक्सलियों की पैठ पहले काफी हुआ करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते 1 दशक से करीब शांति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं पर चल रही बुलडोजर की कार्रवाई भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जिनका ठिकाना ही नहीं उन पर आप बुलडोजर कहां चलवाएंगे। ऐसे में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए क्या और सख्त प्लानिंग की जरूरत है, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।